हेलो गाइज, आजकल तो आप सॉस या केचप खाते होंगे, जैसे कि कभी बर्गर में मिला दिया या फिर मोमोज या फिर फ्रेंच फ्राइज में मिला के खाते हो। पर क्या आपको पता है कि आप जो सॉस या केचप खाते हो उसको पुराने टाइम्स में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था? जी मैं बताता हूँ, उसको दरअसल एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बल्कि 1830s में लोग सॉस या केचप को मेडिसिन के हिसाब से भी लेने लगे। ये जो मेडिसिन का आइडिया था वो दरअसल डॉक्टर जॉन कुक बेनर का था, जो एक ओहियो फिजिशियन थे। उनका ये मानना था कि केचप या सॉस खाने से आपको डायरिया, इंडाइजेशन और जॉन्डिस जैसे बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए टाइम के चलते वो टोमेटो पील्स का भी इन्वेंशन करने लगे और बाद में उसको मेडिसिन के हिसाब से भी बेचने लगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जो केचप, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर के साथ मिला के खाते हो वो दरअसल कहाँ से शुरू हुआ था या फिर उसका ओरिजिन कहाँ था। ना इसको USA ने बनाया था, ना ये टोमेटो से बनता था, ये दरअसल चाइना का ओरिजिन था। यानी केचप चाइना ने निकाला था और इसको चाइना एक पिकल्ड फिश सॉस के तरह इस्तेमाल करता था, यानी जो मछली के आचार होते हैं ना उसमें यूज हो किया जाता था। और 18th सेंचुरी में केचप सब ऑयस्टर्स, वॉलनट्स, लेमन्स वगैरह वगैरह से बनता था। दरअसल ये सब चीज़ों को नमक में बहुत समय तक रखा जाता था, जिससे कि नमकीन फ्लेवर का एक सिरप निकलता था। ये सिरप को ही उस टाइम में लोग केचप या सॉस बुलाने लगे। चलो फिर, आपको तो पता चल गया होगा कि पहले के टाइम में केचप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।